हेलो फ्रेंड, मैं आज आपके लिए ले आया हूँ एक ऐसी एप्लीकेशन जिसकी मदद से आप इंग्लिश में आए मैसेज को हिंदी में बड़ी आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो बनाने वाले का उत्साह बना रहे। तो उस एप्लीकेशन का नाम है गूगल ट्रांसलेट। तो शुरू करते हैं। जैसे ही आप एप्लीकेशन ओपन करें वैसा इंटरफेस आएगा गूगल ट्रांसलेट। इसमें आप जो भी इंग्लिश में लिखोगे वो हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा और आप चाहते हैं हिंदी का अंग्रेज़ी में कन्वर्ट हो तो वो भी हो जाएगा। तो हम पहले मैसेज को ट्रांसलेट करते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर 3 डॉट लगाए लाएंगे, उनके पास जाना है और SMS ट्रांसलेट पर जाना है। जो भी आपको आया है मैसेज अंग्रेजी में जिसको आप हिंदी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास ये मैसेज है, देखिए ये अंग्रेजी में आया हुआ मैसेज था जिसको हिंदी में कन्वर्ट कर दिया है। तो बहुत ही यूज़फुल ऐप है और हमेशा दिक्कत होती है कि आपको भी जो भी मैसेज आता है कभी कभी अंग्रेज़ी में आता है तो आप उसको हिंदी में नहीं कर पाते, किसी पढ़े लिखे व्यक्ति के पास जाना पड़ता है तो उसकी वजह से बहुत दिक्कत आती है। तो बड़ी आसानी से आप अंग्रेज़ी में आए मैसेज को हिंदी में कन्वर्ट कर लेंगे और उसे किसी को भेजना हो तो भेज भी सकते हैं। और इसकी एक खासियत ये है इस ऐप की, इसमें आप यहाँ पर जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो अंग्रेज़ी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अंग्रेज़ी में लिखेंगे हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा और हिंदी में लिखेंगे तो अंग्रेज़ी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप मैं लिख रहा हूँ, आई एम फाइन। तो उसका देखो हिंदी में कन्वर्ट हो गया, मैं ठीक हूँ। और आप अगर इसको मैं ठीक हूँ लिखते तो ये अंग्रेजी में कन्वर्ट कर देता है इसको। तो बहुत ही यूज़फुल है वे, इसको आप कॉपी करके भी कहीं पे ले जा सकते हैं और हिंदी का अंग्रेजी में और अंग्रेजी का हिंदी में और अन्य भाषा में भी आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत सारी भाषाएँ हैं हिंदी अंग्रेजी के सिवा भी, ये उर्दू उर्दू भी है जिसमें भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसको आप कैसे किसी मैसेंजर पर रन कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा और उसके आगे की बेल आइकन को दबाना होगा ताकि मैं जब भी नया वीडियो डालूं आप तक वो पहुँचाए। धन्यवाद।